आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव फूलसिंघा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो ब्लॉक से 7 किलोमीटर है। 3200 वोटों वाले इस गांव की कमान मलखान सिंह के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान मलखान सिंह और सचिव कुलवंत सिंह के द्वारा स्कूल व सड़कों का भी काफी विकास करवाया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के फूलसिंघा ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक अपने गाँव में करवाए आपने? अच्छा विकास कराया, अच्छा कार्य कराया, 80% मतलब विकास हो गया जी। और ये अच्छे शौचालय भी बनवाए हैं, कुछ पहले बन गए थे, कुछ ग्राम पंचायत भी ओडीएफ हो गई है। आवास मिले हैं लोगों को? आवास 29 आवास मिले हैं, सबके बढ़िया करके बनवाए हैं। सीसी टाइल्स कार्य वगैरह जो है आपके गांव में अब कितना परसेंट लगभग हो चुका है? 80% हो चुका सीसी टाइल्स जी। कच्चे रास्ते अभी और बाकी हैं यहाँ? कच्चे रास्ते बस एक तो बचे हैं ना, तो मतलब सभी कंप्लीट हो चुके हैं जी। यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, कितने परसेंट लोगों को आपके गांव में इन सभी योजनाओं का लाभ मिल पाता है? ये मतलब जो कनेक्शनों का तो खैर मिल ही चुका है, लगभग 80% है ही, मतलब जो लाइट का भी 80% है और ये गैस का भी और बिजली का भी 80% मिल चुका है सभी लोगों को। सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है यहाँ खाता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बने हुए हैं सभी? हाँ राशन कार्ड बने हुए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सफाई कर्मी आता है? हाँ सफाई कर्मी बिल्कुल टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। कायाकल्प मिशन कायाकल्प के अंतर्गत आपने स्कूल में क्या क्या काम करवाए? स्कूल में मतलब 2 स्कूल पढ़ते हैं मेरे अंडर में, 3 पढ़ते हैं, 2 प्राइमरी है, 1 जूनियर है। मखदुमपुर में तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया स्कूल, आगे दीवार है, गेट है और सीसी टाइल पूरा कार्य करा दिया है और इधर भी मतलब जो कराने जा रहे हैं फूलसिंघा में, मतलब अभी काम आपका चल भी रहा है? हाँ चल भी रहा है काम। आप स्कूल में जाकर के समय देते हैं, मतलब वहाँ जाके देखते हैं बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं, मतलब मिड डे मील वगैरह या कोई समस्या ऐसी आती है तो आप समय देते हैं? हाँ डेली भेज देते हैं। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं गाँव? कुछ नहीं है बिल्कुल, ना पंचायत घर है ना मतलब जो बारात भवन, कुछ नहीं। आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी के अंदर है, मतलब एक मखदुमपुर पर है और 4 यहाँ पे हैं जो कि जो काम करा भी चुके हैं, मरम्मत कराई है उनकी, मतलब सही तरीके से कंप्लीट करा है उनका, सब टूटा फूटा छत वत गिर गई थी। शमशान घाट कब्रिस्तान? शमशान घाट भी मतलब कब्रिस्तानों की तो बाउंड्री है, शमशान की कोई बाउंड्री सोल्ट्री कुछ नहीं है जी। इसके लिए आपने कभी प्रस्ताव? हाँ बिल्कुल, प्रस्ताव भी दिया है और मतलब लिख के भी दिया है और हमने अपनी कार्योजना में भी डलवाया है और मतलब कराने की भी हमारी नीयत है कि हमें मतलब जो शमशान घाट हमारा हो जाना चाहिए। अब अपने गांव को और विकसित करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? प्रमुख मांग तो यही रखना चाहते हैं कि एक मतलब जो है बारात भवन भी होना चाहिए, एक पंचायत भवन भी हमारा होना चाहिए जिसमें कि मतलब जो सारे लोग मिलकर मतलब ये कोई किसी तरीके की मतलब जो है एक रखी जाए बात। इसके अलावा यहाँ पर कितने परिवार अभी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? परिवार तो लगभग कम से कम 100-125 के करीब होंगे, 125 के करीब परिवार अभी ऐसे हैं जी जिन लोगों को आवास की जरूरत है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल तो यहाँ से हम ऐसे मान लीजिए स्कूल के साहब 8 किलोमीटर ही मान लो। यहाँ आसपास आपकी ग्राम पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं है बना हुआ? नहीं। आपने कभी इसके लिए मांग रखी है? केंद्र है मतलब वो हमने मांग हाँ रखी है, तो एक बार रखी है मांग जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ इन 4 सालों में करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, शौचालय से गांव ओडीएफ हो चुका है, कुछ आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण इन प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। इसके साथ ही यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन का यहाँ निर्माण होना बहुत ही जरूरी है और लगभग 100 से ऊपर परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24 से।
क्या नाम है आपका? जी शिव कुमार जी, ये यहाँ विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास को लेकर के विकास तो यहाँ बहुत बढ़िया हुआ, 4 साल से तो सब कुछ बढ़िया हो गया। ये रास्ता बिल्कुल बेकार था, पहले बहुत गहरे में था, अब बहुत बढ़िया हो गया और यहाँ से लेकर वहीं तक पूरा बढ़िया हो गया। ग्राम प्रधान का विकास कार्यों से संतुष्ट हो? हाँ, बहुत ज़्यादा है और बहुत ही आदत भी बहुत बढ़िया, सब कुछ काम बढ़िया कराया पूरे गाँव में, पूरे गाँव का बहुत अच्छा काम कराया और ये रास्ता बहुत ही बढ़िया कर दिया, सभी कर दिए क्या।